नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम वेताल की एक और रोचक कहानी पिंडदान का अधिकारी कौन बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कहानी। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसकी धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 असरफिया दूंगा, तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश में होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे असरफियां गड़ी है, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चले जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर असरफियां निकाली, चोर का क्रियाकर्म किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मनस्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वैश्या उससे 500 असरफिया मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 असरफिया मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 असरफिया दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 असरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। उधर शिवजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और असरफिया को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कुप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं? उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। आप लोगों के विचार से चंद्रप्रभ को किसे पिंड देना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राजा विक्रम ने क्या उत्तर दिया। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था, इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक नई कहानी सुनाई। तो यह थी आज की कहानी पिंडदान का अधिकारी कौन। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।